क्या हाल है? बढ़िया। तू ब्लॉगिंग कर रहा है? हाँ, ये मैं इंट्रो में डालूंगा मैं। अबे यार, कैसा गया इंटरव्यू आपका? बहुत बढ़िया। ओके, किस चीज का था? सब जानना है। हाँ। पास या फेल? इंटरव्यू में पास क्या, फेल क्या? सिलेक्टेड और नहीं, मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया, वो मेरे लिए सिलेक्टेड नहीं। सिलेक्टेड नहीं होते लोग, ऐसे ही बोलते हैं। कोई बात नहीं, होता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। या भाई यार, लगाड़ दे दो। सो गाइस, आ चुका हूँ मैं नेहा के साथ एंड ये है साइबर सिटी। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हाय, बहुत। सो हाउ इज योर वर्कआउट गोइंग ऑन? हाउ इज योर फैम? हाय एवरीवन, यू नो। हाय, हाय गाइस, हाउ आर यू? हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट वन ईयर, सिक्स मंथ्स। इट इज अ सडन मीट फॉर इस बार हमने प्लान किया था मिलने का, पर सडन इन्होंने बताया। एग्जैक्टली, तो मेरा ट्रेनिंग लगा था, तो आई केम टू मीट हिम। This guy came to me. Yeah, it's so long. कैसा लग रहा है मिलके? I was super excited to meet him. Mm-hmm. Normally, I don't meet friends as unknown. Yeah, I'm lucky. Yeah. She's so rich ना कि हम साइबर हब में आए हैं और मुझे नाइकी भी ले जा रही थी अभी कि कुछ खरीदना है। मैंने कहा नहीं यार, रिच लोग रिच बातें। नहीं, just a surprise, ऐसा गिफ्ट था। एंड ये भी पिला रही है, क्या बोलते हैं, मिंट चॉको चिप शेक। अभी थोड़ा बहुत घूमेंगे, मजा आएगा, फिर एंड करते हैं। सो देख लो भाई, कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई सैंडो में। एंड ऑल थैंक्स टू नेहा फॉर दिस, एंड इट्स लुकिंग स्टनिंग एंड अमेजिंग। सो या, उसने दिलाई दिया फाइनली नाइक से। मैंने इतना मना किया, नेहा ने मुझे नाइक से गिफ्ट दिया है। वाओ वाओ, इतना मतलब मैंने मना किया फिर भी दे दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई। कुछ ज़्यादा ही महंगी नहीं थी सैंडो? 4500 की सैंडो भाई, इससे बढ़िया तो इससे नहीं। मैं बताना चाहिए ना ब्लॉग में सब कुछ की क्या ले रहे हैं, तो अभी तो पीपल देखते हैं। अच्छा, इससे बढ़िया तो क्या बोलते हैं, अब अगली बार मेरे को कोई, अभी मतलब है ब्रांड क्लोथिंग का, मतलब कोलैबोरेशन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट साइन है ना, तो नेहा को स्टॉक भिजवाऊंगा मैं पूरा जिम वेयर का। एशिया तो जीत जाऊंगा। थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू नेहा। सो स्टारबक्स आ चुका हूँ मैं भैया लोगों के साथ। तो अब सीन बताता हूँ क्या हुआ। मेरी फ्लाइट छूट गई थी एंड मुझे बस से घर जाना पड़ा, पर तब तक भैया का मैसेज आ गया कि ही इज़ ऑल्सो स्टेइंग इन दिल्ली एंड गोइंग बैक टू देहरादून। सो कोइंसिडेंटली मैंने भी उनका मैसेज उसी टाइम पढ़ा एंड मुझे लेने आए पिकअप करने के लिए। एंड बहुत ही थैंक यू भैया, सौरभ भैया एंड तुषार भैया को। एंड बहुत अच्छा लगा यार मिलके, कि लाइक मतलब वरना अकेले घर जाता, परेशान हो जाता, पार्टनर्स मिल गए इतने अच्छे, तो सही है। स्टारबक्स में हमने चिल किया बहुत ज़्यादा मस्त, दो बार गए हम स्टारबक्स, एक और बार गए। एंड वहाँ की कॉफ़ी बहुत ही अच्छी थी, नई वाली थी। एंड दे ऑल्सो गेव अस सम स्टारबक्स कार्ड एंड या, उसके बाद हम थोड़ा KFC गए खाने, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो सुपर मील मंगाई एंड मज़ा आ गया खा के, मस्त लग रहा था। सो गाइस, सुबह मेरी फ़्लाइट छूट गई थी और बस भी नहीं मिली, तो बहुत मुश्किल से भैया लोग मिले मुझे, तुषार भैया। और सुबह से हम दो बार स्टारबक्स चले गए, एक तो हम सुबह गए थे और एक अभी फिर से आ रखे हैं। और हमें एक कॉफ़ी बहुत फेवरेट लगी, स्मोर्स कैपेचिनो है नाम से, कैपेचिनो है, कैमरे फिट ही नहीं आते कभी कुछ ज़्यादा ही। फिर हमने KFC खाया और अब हम पहुँचने वाले हैं 2 घंटे में, बार फिर चलते हैं, बहुत टायर्ड हो गया हूँ, थक चुका हूँ। भाई साहब, ये जो फ्लेवर था ना, इतना मस्त था ना, पता नहीं इसका नाम भूल गया मैं, पर अगली बार जब भी मिलेगा बताऊंगा। एंड आप भी हो सके तो ट्राई करना, बहुत ही मस्त है भाई ये फ्लेवर जो भी है। सैंडविच और नॉनवेज पास्ता। सो गाइस, मैंगो शेक एंड ये क्या है, स्मूथ AF सिंगापुर है। वाओ, दिस इज फक,
मोजिटो और इसमें पता नहीं क्या डाला है। दिस इज मोजिटो एंड सिंगर इज वर्जिन, तो वर्जिन मोजिटो। सैड लाइफ, सैड लाइफ। वाओ तंदूरी मोमोज सिंघा की डाइट 300 किलो इसी को उठा के साले। भाई ये सब मत दे यार, फोन हटाओ। वाओ वाओ मैन 300 किलो वाओ मैन 300 किलो 300 के फॉलोअर्स। साइड का क्यों छोड़ दिया आपने, साइड का क्यों नहीं खाया? पता नहीं यार, ये आदत शायद रिलेट कर सकते हैं लोग। अबे वो बहुत लोगों की वजह, मैंने भी छोड़ा है वो ना, मतलब सॉफ्ट सा नहीं लगता, एकदम हार्ड सा होता है, मज़ा नहीं आता। कमेंट करना अगर आप रिलेट कर सकते हो तो। और ये है पास्ता, वाओ यार वाओ 300 किलो का रास। सो गाइस, सो गाइस 299 के हुए हैं और एक घंटे पहले स्टोरी डाली 298 थे। मैंने बोला कल तक करा सकते हो क्या 300 के, क्योंकि कल घर जा रहा हूँ, कल सेलिब्रेट करके जाना था। पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ एक घंटे में 1500 फॉलोअर बढ़े हैं। 298 400 थे, अभी देखो कितने हो गए, 50 बचे बस, सिर्फ 50 बचे। एक घंटे में इतना शेयर किया है, अब तो अभी हो जाएंगे। मैंने डाल दी स्टोरी इसलिए यार, अब मैं इतना फेमस हूँ तो क्या कर सकते हैं। आज पार्टी करेंगे यार, वाओ केक कटेगा जिम में आज। 300K भाई, 300K मैन, क्या फीलिंग है भाई। 300K का केक, 150 थे मेरे 3 साल पहले। शिट, वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ फीलिंग मैन, व्हाट अ फीलिंग मैन। 300kg डेड मारोगे आज हम लोग पास्ता खा के। बिलीव इन योरसेल्फ मैन, मैं पागल हो जाऊंगा, इतनी खुशी हो रही है मेरे को। 300K मजा आ गया है। शिट, अब देखते रहेंगे कब होंगे, अब तो 49 बचे। सामने जो है तू ही मेरा। वाओ 300 के हो गए सिंगा के भाई, इतनी जल्दी कराया कि वो मोमेंट ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। अबे यार अभी 299 900 कुछ थे, हाँ, 900 थे और भी फट से 300 हो गए। ये है सिंगा पावर, सिर्फ 40 मिनट हुए थे स्टोरी डाले। वाओ आप दारू रखी है आज, दारू पी लो, शैंपेन उड़ा दो। 1 मिलियन पे उड़ाएंगे। वाओ 300 के मैन, कैसा फील हो रहा है 300 के करके? बहुत ज्यादा ही वियर्ड सा फीलिंग है भाई, मेरे को तो खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी प्रोफाइल है। वाओ एक दिन इसमें वेरीफाइड भी होगा, 1 मिलियन करेंगे। यह है ना, अच्छा लग रहा है बहुत। सो कॉन्ग्रेट सिंगा फॉर 300K। मेरे सामने हो गए, दिखा दो सबको, 300 के फॉलोअर्स हो गए आज। सिंगा की फैमिली 300 के स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, 300 के हो चुके हैं। वाओ यार अनबिलीवेबल, अभी स्टोरी डाल दियो ना, इंस्टा चेक कर लो, 300 के हो गए भाई के। पार्टी कर चुके हैं, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार। कैसा फील कर रहे हो? बहुत इमोशनल, मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है, इमोशनल हो रहा हूँ मैं भी। बहुत रगड़ा है समझ सकता हूँ, है ना। लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे से ग्रो होना आसान है, पर जब फटती है ना तो पता चलता है क्या किधर जाते हो, क्या करते हो, पूरा दिन वीडियो बनाना ये वो, बट जो मिलता है ना अप्रिसिएशन, मज़ा आया। 300K अब मेरे भी 100K करवा दो यार प्लीज़। कितने बचे? 16? हाँ 16-15, 84 तो है। इंटरनेशनल मेडल आएगा उस दिन, हो जाएगा उस दिन, हो जाएंगे। कॉन्ग्रेट्स मैम, पार्टी कर ली है सिंगा की तरफ से, पार्टी थी आज। वाओ मैम वाओ, तो चलते हैं, 300 हुए तो देना बनता था भाई, अब जिम चलते हैं, फिर कल मेरी नेशनल की पार्टी है। सो गाइस बसंत आया हूँ, देहरादून की फेवरेट आइसक्रीम मिलती है मेरी यहाँ। आज जिम आया हूँ मैं और मेरा एक भाई शांतनु मिलना है मुझसे। भाई कैसा है भाई? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, आपको देखकर और बढ़िया हूँ मैं, आप बताओ। और भाई डोनट्स भी लाया था, पता नहीं इसकी जरूरत नहीं थी। यार ये खतरनाक बंदा है, तो मैं वहीं से इंस्पायर हुआ, मैं वेट लॉस किया, बीच बीच में मैं मेंशन करता था भाई, ऐड करते तो भाई क्रेजी सीन हो जाते थे, रात रात भर भाई उठता था, वो स्क्रीनशॉट लेके डालता था। इसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही एपिक है, इसकी आईडी चेक कर लेना, मतलब बहुत फैट था, बहुत अच्छा है, मतलब कटिंग कर दी देख लो। मतलब सही में यार बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, फिर मैं मम्मी कसम खा रहा हूं, पूरा क्रेडिट भाई को है।
पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हैं भाई, पावर लिफ्टिंग भी धीरे धीरे करेंगे स्टार्ट, फिर आम रेसलिंग भी कर लो स्टार्ट। नहीं आम यार बहुत छोटे मेरे को, आम यार सही में। नहीं नहीं कोई नहीं, 15 साल का अभी तो कर लो, ब्रैकेट देंगे मेरे को भी बनाएंगे। हाँ ठीक है पक्का। कैसा लग रहा है मिलके भाई? मैं सही में काँप रहा हूँ यार, जो लोग मेरे को जानते हैं ना उनको पता है कितना बड़ा फैन बॉय और भाई वाला सीन है मेरा भाई के साथ। चलो ऐसे ही मिलते रहेंगे भाई, लव यू भाई। काँप हुआ था आपकी क्या भाई? तो आज वीडियो बनानी है भाई को। हाँ भाई तो वीडियो बनानी है, फोटो फोटो लेनी है तो लेते हैं, तो चलते हैं। वाह मैन, कुछ लिखा है क्या इसमें? 86 के अबे भाई, अच्छा 86 के, थैंक्स भाई। क्या भाई, भाई साहब 86 के का भाई टोकन ऑफ लव। वाह मैन, अब 100 के पे आएगा सीधा एक। वो ट्विंकल दी के 50 के हो गए, और 50 के लिए मैंने उनके लिए केक लिया है, अभी चल के उनको सरप्राइज देते हैं एंड केक सेलिब्रेशन करते हैं, तब बताता हूँ क्या होता है। फीलिंग 50 के हो चुके हैं आपके, वाओ केक कैसा लगा? खोल तो दे, कैसा लगा केक? दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ओ आओ, कैसा लग रहा है केक? नाइस, अच्छा लग रहा है। थैंक्स कौन बोलेगा? थैंक्स मी। ओ भाई, I want to thank me. Yeah, for believing in myself. Speech दो यार 50 के की। हाँ 50 के करा के कैसा लग रहा है? हाँ बहुत मेहनत से कमाए हैं मैंने 50 के। Wow, happy 50K to you. Happy 50K to you. मेरे को भी दिखाओ यार। Happy 50K, कट ही नहीं रहा है, जिम जाने का फायदा नहीं। Bigger biceps to you, bigger biceps to you. Happy 50K to you. Tinkle. अबे कर दिया? यार इसके लिए तो वो लाना था, वो जो मीट काटते जिस, हो गया, हो गया, हो गया। अमोनिया सूंघ के काटो, उससे कटवाता है जिससे वो नहीं होता, वो मटन की दुकान में बड़ा सा। वाओ भैया मेरे, चक्कू ही तोड़ दिया भाई लड़की ने, जान देख रहे हो? वाओ गाइस, मेरा आ रहा है फोन। और जान लगाओ, पूरे तोड़ दिए मैंने। और खाओ। वन लाइफ, जो भी लो दो लो। वन लाइफ बेबी, ये लो, इसके भी दो टुकड़े हो गए। जो भी करो दो करो, वन लाइफ 50K life. Are you happy? No, very happy. I'm going tomorrow. No, I'm sad. Yeah. Okay. चल भाई, नहीं कल नहीं जा रहा है तू? नहीं परसों जा रहा हूँ। Okay guys. So यही था vlog. क्या कहना तो गाइस, हम आ चुके हैं एकदम वादियों में एंड यहाँ के थोड़े बहुत शॉट्स डालूंगा, इसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं। कौन सी जगह है बे? चमदार। चमदार, वाह मैन, देखो एकदम मस्त पानी पानी।
तो नहाते हैं, थोड़ा बहुत पोजिंग करेंगे, आज संडे था मज़े लेंगे एंड फिर ब्लॉग एंड करता हूँ। सो गाइस फ्रेश हो चुके हैं एकदम, बेल्ट वगैरह, सो चलते हैं नहाने। ऋषभ को देख सकते हो पीछे नंगा रंडा। सो गाइस चल रहे हैं घर, बहुत मज़ा आया ना कि आपको व्यू देख के अच्छा ही लगा होगा। तो पहाड़ों की खास बात ये होती है कि यहाँ का जो पानी है बहुत साफ रहता है, तो इसलिए हम ग्लोइंग रहते हैं, इतना पिंपल्स नहीं होते। हाँ धूप में कभी कभी हो जाता है। तो चलते हैं घर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।